असलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जी पास ब्यूटी का ये हेयर स्टाइलर, जो कि 7-in-1 हेयर स्टाइलर है। 7 इसके साथ ये पार्ट्स दिए गए हैं, जो कि हम अपने बालों को डिफरेंट तरीके से यूज़ करके स्टाइल कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे जल्दी से ओपन करके देखते हैं। तो जब हम इस बॉक्स को ओपन करेंगे तो हमें इस तरह से ये सारी चीज़ें अंदर पड़ी हुई मिलेंगी। मैंने तकरीबन ये हेयर स्टाइलर जो है 1 ईयर बिफोर बाय किया था, और इसे यूज़ करने के बाद मैं इसके रिव्यूज़ जो है वो आपके साथ शेयर करने चुकी हूँ। इसको जब हम ओपन करेंगे तो इसका मैनुअल जो है वो हमें अंदर मिलेगा। मैनुअल को जब हम केयरफुली रीड करेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि हम इस हेयर स्टाइलर को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले मैंने आपके साथ शेयर की थी जी पास का स्ट्रेटनर, तकरीबन मैंने 1 ईयर बिफोर वो वीडियो आपके साथ शेयर की थी, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद की। उसके बाद अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इनका हेयर स्टाइलर, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली भी है। आप इसे चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं। तो जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये इसका हमें अंदर मेन यूनिट जो है वो मिलता है। अब इसका मेन यूनिट का काम क्या है, इसके ऊपर ये बटन दिया गया है जिससे आप इसकी जो है हीट को ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, और यहीं से ये ऑन ऑफ होगा। और ये जो इसका बटन है ये काम आता है कि जब हम कोई भी पार्ट इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो उसको लिफ्ट अप करने के लिए दोबारा से इसे हमें प्रेस करना पड़ता है। मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। ये मेरे हाथ में है कंसेंट्रेटर, इसे मैं यहाँ पे अप्लाई कर लिया, अटैच कर लिया, इसके साथ ये फिक्स हो गया। अगर हम इसे उतारेंगे तो ये इस तरह से नहीं उतरेगा, हमें इसे उतारने के लिए इस बटन को प्रेस करना पड़ेगा। प्रेस करने के बाद जब हम इसको खींचेंगे तो ये ईजिली उतर जाएगा। अब जी ये मेरे हाथ में जो पार्ट है इसका नाम है कंसंट्रेटर। ये जब हमने बालों को क्विकली ड्राई करना होता है बहुत जल्दी से, तो ये कंसंट्रेटर जो है वो ड्रायर का काम करता है। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है हमारे पास, ये है जी इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि मैनुअल भी इसका नाम दिया हुआ है। अगर हम इस मैनुअल को ओपन करें तो ब्लो ब्रश है, ठीक है। मैनुअल के ऊपर 7 जो पार्ट्स हैं उन सबके नाम मेंशन किए गए हैं, उनके काम भी मेंशन किए गए हैं। अब ये ब्लो ब्रश क्या करता है, ब्लो ब्रश जो है ये आपके बालों को कर देता है वेव्स कर देता है दोनों साइड से जब आप इसे यूज करेंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं इन पार्ट्स के ऊपर वीडियो भी बनाऊं कि किस तरह से इन्हें यूज़ किया जाता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, फिर मैं देन आपके लिए वीडियो जब अपलोड कर दूँगी। इसके बाद जी ये है इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि है वॉल्यूम लिफ्टर। अगर किसी के बाल बहुत ज़्यादा थीन होते हैं, चिपटे होते हैं, तो इस बालों में वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए ये वॉल्यूम लिफ्टर यूज़ किया जाता है। इसका अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो है आयरन रॉड। आयरन रॉड हमें पता है किस लिए यूज़ किया जाता है, बालों को कर्ल करने के लिए यूज़ किया जाता है। या एडजस्टेबल होता है, हम इसे बहुत सारे यूज करके जो है वो कर्ल बना सकते हैं। अब ये हमारे पास क्या है जी, ये है हमारे पास एडजस्टेबल रोलर ब्रश, ठीक है। इसको हम ऊपर से एडजस्ट कर सकते हैं कि हमने कितने थिन कितने थिक जो है हमने इससे कर्ल प्रोड्यूस करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी ये वाला इसका पार्ट, ये क्या है, ये भी हेयर को यूज किया जाता है हेयर आयरन करने के लिए। इसके बोथ साइड पे जो है वो इस तरह से कर्ल्स बने होते हैं और ये ट्विस्टेड कर्ल्स करने के काम होता है। नेक्स्ट का पार्ट जो है ये है एक ओवल ब्रश। अब ये ओवल ब्रश किस लिए यूज़ किया जाता है कि आपके जो हेयर हैं अगर बहुत ज़्यादा चपटे हुए हैं, आपके बालों बाल जो हैं आपके सर के साथ बिल्कुल चिपट जाते हैं, तो उनको लिफ्ट अप करने के लिए, उनको वॉल्यूम देने के लिए रूट से ये अप्लाई किया जाता है। इस तरह से करके मसाज किया जाता है और इस तरह से बालों में वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो जी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया जी पास का हेयर स्टाइलर।
नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसके यूजेस। और अगर आपको इसके बारे में कोई भी क्वेरी करनी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हैं, आपके जो सारे के सारे क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो वहाँ पर क्लियर कर दिए जाएंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।